हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे तकावी ऋण यानी कि तकावी लोन और चिट फंड के बारे में। यदि आप ट्वेल्थ कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग से कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा वीडियो अंत तक देखना न भूलें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं तकावी ऋण, जिसको कि इंग्लिश में भी तकावी लोन ही बोलते हैं, ये तकावी शब्द है क्या, इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो तकावी शब्द है ये अरबी भाषा से लिया गया है। अरबी भाषा में ऋण को यानी कि लोन को तकावी कहा जाता है, उसी से तकावी ऋण आया है। भारत में कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अंतर्गत, भारत में कौन सा अधिनियम, कृषक ऋण अधिनियम, यानी कि किसानों की सहायता करने के लिए, उनको ऋण प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा जो कृषक ऋण अधिनियम बनाया गया था 1884, उसी के अंतर्गत किसानों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु सरकार के द्वारा जो अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है उसी को तकावी ऋण कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, तकावी शब्द का मतलब होता है, ये एक अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है ऋण से, और भारत सरकार के द्वारा किसानों को जो उनकी व्यक्तिगत उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए जो उनको अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है उसी को तकावी ऋण कहा जाता है। पहले तो ये ऋण सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय में किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए ये प्रदान किया जाता था, इसी को तकावी ऋण कहा जाता था। परंतु वर्तमान समय में धीरे धीरे इसका स्वरूप परिवर्तित होने लगा है और ये किसानों की सिर्फ प्राकृतिक आपदा के समय ही नहीं बल्कि उनकी कृषक की छोटी बड़ी आवश्यकताएं जो कि खेती से संबंधित हो उसके लिए भी जो अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है वो भी इसी तकावी ऋण के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि उनको खाद के लिए, बीज के लिए, हल बैल के लिए, ट्रैक्टर, छोटी भी उपकरण, कृषक के छोटे उपकरण जो कि खेती में काम आते हैं उनको क्रय करने के लिए जो ऋण प्रदान किए जाते हैं उन्हें तकावी ऋण कहा जाता है। प्रारंभ में ये जो तकावी ऋण था वो पंचायती समितियों के माध्यम से ही मिलता था, और परंतु अब ये धीरे धीरे भारत में राज्य सरकार के द्वारा दिया जाने लगा है। कुछ जगह जहाँ पंचायती राज हैं वहाँ पंचायती समितियाँ हैं, वहाँ पंचायती समितियों के माध्यम से, जहाँ पर पंचायती समितियाँ नहीं हैं वहाँ पे उस प्रदेश की सरकार के माध्यम से ये अल्पकालीन ऋण यानी कि तकावी ऋण उनको प्रदान किया जाता है। परंतु भारत में तकावी ऋण जितने किसानों को लोन की आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है भूकंप के समय, बाढ़ के समय, ऐसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय किसान को जितनी आर्थिक आवश्यकता सहायता की आवश्यकता होती है उसकी तुलना में ये ऋण बहुत ही नगण्य होता है। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसी समिति नहीं बनी जो कि एग्जैक्ट अमाउंट बता सके कि किसानों को लोन के रूप में प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य के किसानों को मिला के एग्जैक्ट अमाउंट कोई नहीं बता पाता है कि कितना धनराशि उनको लोन के रूप में मिला। परंतु ग्रामीण साख संरक्षण समिति के हिसाब से भारतीय किसानों को जितनी कृषि साख है, जितना किसान लोन लेता है चाहे वो व्यापारिक बैंकों से लेता है या किसी नाबार्ड के माध्यम से लेता है, जिस भी माध्यम से किसानों को जो जितने भी लोन मिलते हैं हमारे देश में उस लोन का 3% भाग इस तकावी ऋण के माध्यम से ही किसानों को उपलब्ध होता है। तो स्टूडेंट्स, अब आप मेरे हिसाब से अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे कि ये तकावी ऋण क्या होता है। थोड़ा इसके और डिटेल में जाएं तो ये जो तकावी ऋण होता है किसानों की जितनी आवश्यकता है उसकी तुलना में ये बहुत नगण्य है। इसका कारण एक ये है कि सरकार किसानों की आवश्यकताओं का आकलन पूर्ण रूप से आकलन करने से पहले ही वो राहत पैकेज का अनाउंस कर देती है, भाई इतने करोड़ का किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो किसानों की आवश्यकता उससे कहीं कई गुना अधिक होती है,
परंतु जब सरकार पहले ही ये अनाउंस कर देती है कि बाढ़ के समय, भूकंप के समय, सूखे के समय इतना इस क्षेत्र के किसानों को इतना धनराशि राहत के रूप में दिया जाएगा, तो ऐसे में किसानों की आवश्यकता के अनुसार उनकी जो क्षतिपूर्ति हो के रूप में एक अनुपात में उनको इसे धनराशि का लोन के रूप में आवंटित कर दिया जाता है। मैंने दो पॉइंट कहा था। पहला पॉइंट तकावी ऋण, ये शायद आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तकावी ऋण मैंने बताया, इसको संक्षेप में कहें तो जो सरकार के द्वारा किसानों को अल्पकालीन प्राकृतिक, मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा के समय जो किसानों की सहायता करने के लिए सरकार के द्वारा अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, उसी को तकावी ऋण कहा जाता है। दूसरा मैंने कहा था कि आज के वीडियो में तकावी ऋण और चिट फंड के बारे में बात करेंगे। चिट फंड, शायद आप में से बहुत सारे लोग चिट फंड से बहुत अच्छी प्रकार से परिचित होंगे। हमारे महानगरों में बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग चिट फंड के में अपना धन भी जमा करते हैं। चिट फंड कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये कुछ व्यक्ति साथ में मिलके अपनी इच्छा से साथ में इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे की सहायता की भावना से एक संस्था का गठन करते हैं, जिसमें कि वे लोग अपनी इच्छा अनुसार एक निर्धारित धनराशि उसमें प्रत्येक माह जमा किया जाता है और लॉटरी के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति का बारी बारी से चिट निकलता है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। चिट फंड मुख्य रूप से ये महानगरों में प्रचलित है। महानगरों में चिट फंड मुख्य जितनी भी महिलाएं हैं, ज़्यादातर क्षेत्र में महिलाएं, छोटे बड़े नौकरी पेशा वाले लोग, व्यापारी, उद्योगपति, बहुत सारे लोग चिट फंड का काम करते हैं, चिट फंड में अपना धनराशि जमा करते हैं। चिट फंड के लिए कोई निर्धारित संख्या नहीं है, इसमें कम से कम 10 लोग और अधिकतम तो कितने भी लोग हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 10 से 50 लोग ही साथ में इकट्ठे होते हैं और इन्हीं सदस्यों में से कोई एक सदस्य इस चिट फंड का संचालन भी करता है, इसको हैंडल भी करता है, उसका किस प्रकार से ये चलेगा इसके लिए रूल रेगुलेशंस भी बनाता है। प्रत्येक माह एक निश्चित धनराशि निर्धारित कर दी जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि प्रत्येक माह 1,000 1,000 रुपये या 500 500 रुपये जमा करना। 12 लोगों, मान लीजिए कि 12 लोग इकट्ठे होते हैं और उन लोगों ने एक चिट फंड स्थापित किया और प्रत्येक माह वो लोग 1,000 1,000 रुपये जमा करते हैं, तो वो प्रत्येक माह 12,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। सबको एक चिट दिया जाता है जिस पर कि उनका एक सीरियल नंबर दे दिया जाता है, जितने भी सदस्य उसके होते हैं। और फिर प्रत्येक माह जब धनराशि इकट्ठी हो जाती है तो लॉटरी के माध्यम से उनका किसी एक का उसमें से नाम निकाला जाता है और जिसकी लॉटरी निकलती है वो पूरा पैसा उस एक को दे दिया जाता है। और फिर अगले माह जिसका लॉटरी निकल चुका है, उसका जिसका चिट निकल चुका है, उसका नाम हटाकर बाकी अन्य सदस्यों का, जिनके नाम का अभी तक चिट नहीं निकला है, उनका एक बॉक्स में चिट डाला जाता है, फिर उसमें से किसी एक का नाम निकलता है, जिसका निकलता है उसको वो दे दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके नाम का चिट निकल गया तो अब आप धनराशि नहीं जमा करेंगे। यदि आप चिट फंड चला रहे हैं तो आपके नाम का चिट निकल गया, उसके बाद भी उसमें धनराशि आपको जमा करनी है, तब तक जमा करना जब तक कि प्रत्येक सदस्य का एक एक बार चिट न निकल जाए। जैसे मैंने बताया कि 12 सदस्य अगर मिलकर करते हैं तो एक वर्ष में 12 महीने में सभी सदस्यों का नंबर आ जाता है, उसके बाद अगर वो चाहे तो उसको आगे चला या न था उसको वहीं पे स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये होता है चिट फंड। परंतु इस चिट फंड में कई बार धोखाधड़ी, बेईमानी भी हो जाती है। वैसे तो ये सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता करने के उद्देश्य से इसको प्रारंभ करते हैं, परंतु इसमें जब हम सभी सदस्यों से अच्छी प्रकार से परिचित नहीं होते हैं या धन का मोह, कई बार आपका चिट निकल गया तो आप सोचते हमारा तो चिट निकल गया, अब मैं अपने हिसाब से धन जमा करूंगा नहीं करूंगा, तो इस प्रकार से कई बार सदस्यों के द्वारा धोखाधड़ी, बेईमानी के भी मामले सामने आते हैं। इन समस्याओं से निकलने के लिए, चिट फंड के सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए, चिट फंड पर भी कानूनी नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1982 में भारत सरकार द्वारा चिट फंड अधिनियम 1982 पारित किया गया, जिसको कि हाईकोर्ट ने जुलाई 1993 में अपने फैसले से इसको
वैधता प्रदान की, इसको मान्यता प्रदान कर दी और ये 18 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में ये नियम लागू होता है। हाँ, अभी भी कुछ राज्य हैं जहाँ पे कि ये चिट फंड का नियम लागू नहीं होता, इनको सही ढंग से सुचारू रूप से इन पे कार्यवाही नहीं हो पाई है, परंतु लगभग सभी राज्यों में ये जो भारत सरकार ने चिट फंड अधिनियम बनाया है, 1982 चिट फंड अधिनियम 1982 बनाया है, ये लगभग सभी राज्यों में लागू होता है। यदि कोई संस्था जो चिट फंड चलाती है, ये एक ऐच्छिक संस्था होती है, वो धोखाधड़ी करती है अपने सदस्यों के साथ, तो इस अधिनियम के तहत अपने हितों की रक्षा करने के लिए सदस्य उस पर दावा कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मेरे आगे के भी वीडियो देखना ना भूलें। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो स्पेशली मेरे वीडियो को देखते रहिए।